गाजीपुर में अफजाल अंसारी अब इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, क्योंकि उनकी बेटी नुसरत अंसारी का पर्चा खारिज हो चुका है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से अफजाल अंसारी और नुसरत अंसारी दोनों ने ही पर्चा दाखिल किया था। अफजाल अंसारी ने फार्म एबी में समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किया था, जबकि नुसरत ने समाजवादी पार्टी के वैकल्पिक प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया था। आयोग के नियमों के अनुसार मुख्य प्रत्याशी का पर्चा स्वीकृत होने की दशा में वैकल्पिक प्रत्याशी का पर्चा स्वतः ही खारिज हो जाता है, और इसी नियम के तहत नुसरत का पर्चा जिला निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया था, जिसकी पुष्टि डीएम आरका अखोरी ने भी की थी। अफजाल अंसारी की 3 बेटियां ही हैं, जिनमें से नुसरत अंसारी सबसे बड़ी हैं। कुछ दिनों पहले नुसरत तब चर्चा में आई जब उन्होंने गाजीपुर में अपने पिता अफजाल अंसारी के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया, और प्रचार के पहले ही दिन वो एक शिव मंदिर में गईं और वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद 1 मई को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में अफजाल अंसारी ने नुसरत अंसारी का सबसे परिचय कराया और बताया कि कानूनी वजहों से वो खुद चुनाव नहीं लड़ पाए तो नुसरत उनकी राजनीतिक वारिस होंगी। अफजाल अंसारी के गैंगस्टर मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है और 20 मई को उसमें अगली सुनवाई होनी है। गैंगस्टर का मामला 30 जून तक निस्तारण करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अफजाल अंसारी के इसी मामले की वजह से उनके चुनाव नहीं लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे और इस बात की चर्चा थी कि नुसरत चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब इस बात की संभावना खत्म हो चुकी है और अफजाल अंसारी ही चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो चुका है। सूत्रों के माने तो अफजाल अंसारी इस लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी को ही चुनाव लड़ाने के मूड में थे, क्योंकि उनके ऊपर सजा की तलवार अभी भी लटक रही है और हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा तो वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सूत्र बताते हैं अफजाल अंसारी अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे थे, लेकिन स्थानीय समाजवादी पार्टी नेताओं के विरोध और आलाकमान की सहमति नहीं होने की वजह से उनको खुद ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं और उनके चुनाव लड़ने पर घटक दलों को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनकी बेटी नुसरत अंसारी के चुनाव लड़ने की बात पर सभी घटक दलों में सहमति नहीं बन पाई। साथ ही इस पर स्थानीय सपा नेताओं की भी सहमति नहीं बनी। नुसरत के चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन पर परिवारवाद का आरोप जरूर लगता। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी ने सेल्फ गोल कर लिया है, क्योंकि चुनाव में जीत हार तो 4 जून को तय होंगे, लेकिन अफजाल अंसारी अगर चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट उनकी 4 साल की सजा को अगर बरकरार रखता है तो गाजीपुर एक बार फिर सांसद विहीन जनपद होगा और यहां पर उपचुनाव जैसे हालात एक बार फिर से पैदा हो सकते हैं, और इन्हीं वजहों से ये बात अब मानी जा रही है कि अफजाल अंसारी की चाल अब उन पर ही भारी पड़ सकती है।